हमारे जितने ठाकुर हैं ना, सबके पीछे नाथ लगा है, प्रधान प्रधान ठाकुर। तीर्थ सर्वकालिक होते हैं, फिर भी चार युगों में चारों तीर्थों को, धामों को बांटा गया है। सतयुग का धाम श्री बद्री का आश्रम है, वहां के ठाकुर जी को भी हम लोग बोलते हैं श्री बद्रीनाथ भगवान की जय। वो बद्रीनाथ हैं, वो उत्तर दिशा के स्वामी हैं। पूर्व दिशा के स्वामी महोदधि के तट पर विराजमान, नीलाद्री पर विराजमान श्री जगन्नाथ महाप्रभु हैं, उनके पीछे भी नाथ लगा है। बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की जय। वो जगन्नाथ कलयुग का धाम कहा जाता है। और श्री द्वारिका वो द्वापर का धाम है, उसके पीछे भी नाथ लगा है। बोलो द्वारिका नाथ भगवान की जय। और कलयुग में, त्रेता युग में, दक्षिण देश में भगवान का धाम विराजमान है, हरिहरात्मक धाम। इसी द्रविड़ देश में भगवान श्री हरि और भगवान श्री हर दोनों का धाम है, और दोनों ही धामों में परिगणित है। हरि और हर मिलाकर एक है, इसलिए भगवान श्री हर का धाम। बोलो श्री रामनाथ भगवान की जय। यहाँ का जिला भी रामनाथपुरम है, जिला रामनाथपुरम है, और दक्षिण में रामेश्वरम नहीं लोग बोलते हैं, श्री रामनाथ स्वामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्री रामनाथ स्वामी। और कावेरी के तट पर विराजमान श्री रंगनाथ भगवान। तो श्री रंगनाथ और श्री रामनाथ ये त्रेता के धाम हैं। बोलो श्री रामनाथ भगवान की जय। श्री रंगनाथ भगवान की जय। गर्ग संहिता में इसे धर्म मंडप कहा गया। धर्म मंडप के पांच स्तंभ हैं, ये चार नाथ हैं और मध्य में एक नाथ हैं, वो हैं श्रीनाथ जी। श्री गिरिराज पर्वत पर गर्ग संहिता में लिखा है श्रीनाथ जी विराजमान हैं। इस धर्म मंडप का कोई मनुष्य दर्शन कर ले तो गर्ग संहिता में गर्ग जी महाराज कह रहे हैं उसे किसी माता का स्तनपान नहीं करना पड़ता, वह किसी माता के गर्भ में नहीं जाता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। तो जितने स्थल हमने स्मरण कराए हैं इन सब में दर्शन होना चाहिए। श्री बद्रीनाथ, श्री जगन्नाथ, श्री द्वारिकानाथ, श्री रंगनाथ, श्री रामनाथ, सब जगह दर्शन होना चाहिए। पर कथंचित कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि व्यक्ति तीर्थ यात्रा करने नहीं जा पाया, इन चारों पांचों जगह दर्शन नहीं कर पाया, तो लिखा है ब्रज में आकर गिरिराज पर्वत के शिखर पर विराजमान श्रीनाथ जी का दर्शन कर ले तो इन अकेले श्रीनाथ जी के दर्शन से धर्म मंडप का दर्शन पूर्ण हो जाता है। सब जगह दर्शन करे और श्रीनाथ जी का दर्शन न करे तो धर्म मंडप का दर्शन पूर्ण नहीं, और कहीं दर्शन न भी हो सके केवल श्रीनाथ जी का दर्शन कर ले तो धर्म मंडप दर्शन पूर्ण हो जाएगा।
प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।